गैंगस्टर से नेता बने आतिक अहमद की आज प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होगी। आतिक 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण कांड में मुख्य आरोपी है। इस केस में कोर्ट सुनवाई पूरी कर चुका है। कोर्ट आज दोष सिद्ध और सजा भी सुना सकता है। जज डीसी शुक्ला की कोर्ट ने आतिक को 28 मार्च को सुबह 11 बजे पेश करने का आदेश दिया था, जिसके बाद यूपी पुलिस उसे अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल से लेकर सोमवार शाम प्रयागराज पहुंची। आतिक को नैनी सेंट्रल जेल में रखा गया है। आतिक के अलावा उसके भाई अशरफ समेत अन्य आरोपियों की भी कोर्ट में पेशी होगी। पुलिस की चार्जशीट में 11 आरोपियों का जिक्र है। आपको बता दें कि 25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस केस में आतिक अहमद, उसका भाई अशरफ समेत 5 आरोपी नामजद थे, जबकि 4 अज्ञात को आरोपी बनाया गया था। इस केस में राजू पाल के रिश्तेदार उमेश पाल मुख्य गवाह था। उमेश का 28 फरवरी 2006 को आतिक अहमद ने अपहरण करवा लिया था। उसके साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी दी गई थी। उमेश ने आरोप लगाया कि जब उसने आतिक अहमद के दबाव में पीछे हटने और झुकने से इनकार कर दिया तो 28 फरवरी 2006 को बंदूक की दम पर उसका अपहरण कर लिया गया। एक साल बाद उमेश की शिकायत पर पुलिस ने 5 जुलाई 2007 को आतिक, उसके भाई अशरफ और 4 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने 17 मार्च को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें कि अदालत ने 23 मार्च को आतिक को पेश करने के लिए आदेश जारी किया था, जिसके बाद उसे साबरमती के सेंट्रल जेल से यूपी लाया गया है। आज आतिक के ऊपर दर्ज 100 गुनाहों में से पहला ऐसा केस होगा जिस पर उसे सजा सुनाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इन 24 न्यूज़।